नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। अलीगढ़ में छत का लेंटर गिर पड़ा है और जिसके मलबे में चार मजदूर दब गए हैं। पुराने घर को गिराने का यहां पर काम चल रहा था और उसी दौरान यह हादसा हुआ है। घायल मजदूरों को अस्पताल भेजा गया है। गंगीरी थाना क्षेत्र के बिलोना गांव का यह पूरा मामला है। तो एक पुराने घर को गिराने का काम चल रहा था, इस बीच छत का लेंटर गिर पड़ा और जिसके मलबे के नीचे चार मजदूर आ गए। मलबे को हटाया जा रहा है, मजदूरों को अस्पताल भेजा गया है फौरन इलाज के लिए। अलीगढ़ में ये पूरा हादसा हुआ है। यहां के गंगौरी थाना क्षेत्र के बिलोना गांव का ये पूरा मामला है। तो चार मजदूर जो कि इस घर को गिराने का काम कर रहे थे, अचानक लेंटर ढह गया जिस कारण उसके मलबे के नीचे ये चारों मजदूर आ गए। इनको चोटें आई हैं, इन्हें फौरन अस्पताल भेजा गया है इलाज के लिए। आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। बंगलुरु में ऑटो ड्राइवर ने दो लड़कियों के साथ बदसलूकी की, इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। दरअसल लड़कियों ने ऑटो बुक किया था लेकिन बाद में राइड कैंसिल कर दी और इसकी वजह से ऑटो चालक गुस्से में आ गया और उसने थप्पड़ तक मार दिया। आप चिल्लाइए मत और गाली मत दीजिए, ठीक है? ये फालतू चीज़ें बोलिए मुझे। आपका फोन नंबर है, आपका गाड़ी नंबर है, हम कंप्लेन कर देंगे। सड़क पर हंगामा मचा हुआ है। एक ऑटो ड्राइवर बुरी तरह आग बबूला है। गलती से कैसा होता है? गलती? आप चिल्ला क्यों रहे हो? नहीं, गलती कैसा होता है? आपका फोन नंबर है, आपका गाड़ी नंबर है। वो ऑटो पर बैठी लड़कियों से बदसलूकी पर उतर आया। हाईटेक सिटी बेंगलुरु से ये हैरान करने वाली घटना सामने आई, जहां एक ऑटो ड्राइवर ने दो लड़कियों से अभद्रता कर दी। क्या हो गया? तो कर दिया। आप कैंसिल नहीं करते कभी हम लोग का राइड? आप लोग नहीं करते कभी कैंसिल किया है ना? तो हमारी क्या गलती हो गया? दो तो और क्या हो गया? रुक, आज चल पुलिस स्टेशन को। मैं क्यों जाऊँ? मेरी मर्जी, मेरे को जाना होगा मैं जाऊंगी, मेरे को नहीं जाना होगा नहीं जाऊंगी। मैं अलग पुलिस स्टेशन जाऊंगी, मैं आपके साथ क्यों जाऊँ? आपका फोन नंबर है, आपका गाड़ी नंबर है, हम कंप्लेन कर देंगे। दरअसल दो लड़कियों ने ऑटो बुक किया था लेकिन बाद में उन्होंने किसी वजह से राइड को कैंसिल कर दिया। जिस जगह पर ऑटो चालक को बुलाया गया था वो वहां पहुंच गया। लड़कियां दूसरी ऑटो में बैठ गई थी। इसके बाद तो उसने अपना आपा पूरी तरह खो दिया। राइड कैंसिल होने पर ऑटो ड्राइवर बुरी तरह भड़क गया। वो दूसरे ऑटो में बैठी लड़कियों से झगड़ा करने लगा, उन पर जोर से चिल्लाने लगा। लड़कियों ने उससे पुलिस में शिकायत करने की बात कही तो ऑटो ड्राइवर ज्यादा आक्रोश में भर गया। इसके बाद तो वो लड़की से फोन भी छीनने लगा। आरोप है कि इस दौरान लड़की को थप्पड़ भी लग गया। कंप्लेन कर देंगे। गलती से कैसा होता है? गलती? आप चिल्ला क्यों रहे हो? नहीं, गलती कैसा होता है? बोलो, आप चिल्ला क्यों रहे हो? तेरे बाप देते है क्या गैस? यहीं पे था भैया, 1 मिनट दूरी था आपका ऑटो। आप चिल्लाइए मत और गाली मत दीजिए, ठीक है? ये फालतू चीज़ें मत बोलिए मुझे। और क्या करती है? मैं पुलिस के पास जाऊंगी। आ जाओ, चल पुलिस के पास चल। बात संभलने की जगह बिगड़ती चली गई। वहां पर मौजूद लोग भी उसे समझाने की कोशिश करने लगे लेकिन उसके ऊपर तो असर ही नहीं हुआ। बाद में लड़की ने उससे थप्पड़ मारने की वजह भी पूछी लेकिन उसका पारा सातवें आसमान पर था। ठीक है, ये फालतू चीज़ें मत बोलिए मुझे। गलती से कैसा होता है? गलती? आप चिल्ला क्यों रहे हो? नहीं, गलती कैसा होता है? बोलो, आप चिल्ला क्यों रहे हो? तेरे बाप देते है क्या गैस? यहीं पे था भैया, 1 मिनट दूरी था आपका ऑटो। आप चिल्लाइए मत और गाली मत दीजिए, ठीक है? ये फालतू चीज़ें मत बोलिए मुझे। और क्या करती है? मैं पुलिस के पास जाऊंगी। आ जाओ, चल पुलिस के पास चल। क्या हो गया? तो कर दिया। आप कैंसिल नहीं करते कभी हम लोग का राइड? आप लोग नहीं करते कभी कैंसिल किया है ना? तो हमारी क्या गलती हो गया? दो तो और क्या हो गया? रुक, आज चल पुलिस स्टेशन को। मैं क्यों जाऊँ? मेरी मर्जी, मेरे को जाना होगा मैं जाऊंगी, मेरे को नहीं जाना होगा नहीं जाऊंगी। मैं अलग पुलिस स्टेशन जाऊंगी, मैं आपके साथ क्यों जाऊँ? आपका फोन नंबर है, आपका गाड़ी नंबर है, हम कंप्लेन कर देंगे। थप्पड़ क्यों मारा मुझे? आपका फोन नंबर है, आपका गाड़ी नंबर है। इस दौरान घटना का वीडियो लड़की की दोस्त ने बना लिया। बाद में लड़की ने सोशल मीडिया पर ऑनलाइन ऐप को टैग करते हुए इस घटना की शिकायत की और वो वीडियो भी पोस्ट कर दिया। कहा सुनी और बदसलूकी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने संज्ञान लेते हुए ऑटो चालक आर मुथुराज को अरेस्ट कर लिया।
ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। कानपुर में एक शख्स ने आरोप लगाया है कि उसकी पत्नी को सरकारी नौकरी मिली और जिसके बाद उसने उसे छोड़ दिया और फिर तलाक की नौबत आ गई। हमारी जो है मेरी वाइफ से पहली मुलाकात हमारी कानपुर यूनिवर्सिटी में भी फार्मा के दौरान हुई थी, जिसकी वजह से करके उसको राजी किया गया, प्रेम विवाह उन्होंने अपना घर की मर्जी से कराया। जैसे ही उनकी नौकरी लगती है तो उससे पहले वो हमको बहुत एडमायर करती थी, उनको जो है मैं मोटा लगने लगा, मैं बेडोल लगने लगा, उनके लायक नहीं समझ में आता था। नौकरी लगने के बाद उनका जो है बिहेवियर हो गया, मैं उनके लायक नहीं बचा, जिसने बनाया था वही जो है उनके लायक नहीं बचा, यही एक कारण रहा। नौकरी मिली तो बदल गई पत्नी, पत्नी पर धोखा देने का इल्जाम। एसडीएम ज्योति मौर्य का मामला काफी चर्चा में आया था, जिसमें उनके पति ने नौकरी मिलने के बाद धोखा देने का आरोप लगाया था। अब एक ऐसा ही केस कानपुर में भी आया है। यहाँ की रहने वाली एक महिला की सरकारी नौकरी लग गई, उसके पति ने आरोप लगाया कि नौकरी मिलने के बाद उसकी पत्नी ने उसे छोड़ दिया। उसने पत्नी के लिए कुर्बानी दी, उसे टीचर बनने में पूरा साथ दिया, लेकिन वो उसे भूल गई। बहुत कहती थी कैरियर हमारा जो है कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, तो मैंने जो है खुद जॉब करके, मैं फार्मा करना चाहता था, मैंने उसको क्विट किया अपनी भावनाओं को दबा के। उसके अलावा मैं आगे बढ़ा उनको भी फार्मा कराने के लिए, तो उनको बीएड कराया मैंने कानपुर यूनिवर्सिटी से, और बृहस्पत महिला से उनको बीएड करने के बाद टीईटी की कोचिंग कराई। टीईटी कोचिंग कराने के उपरांत उनको मैंने जो है उसमें नौकरी लग गई, 11 जो उनकी वैकेंसी आई थी, तो ये प्राथमिक अध्यापिका हो गई। शिवांशु का आरोप है कि नौकरी मिलने के बाद उनकी पत्नी पूरी तरह से बदल गई, जिसकी उम्मीद उनको नहीं थी। इतना ही नहीं, वो उसे बार बार ताना मारा करती थी। जो है ये इनका पोस्टिंग इटावा में हुआ, जैसे ही इसके बीच में हमारे दो बच्चे भी हुए, जैसे ही उनकी नौकरी लगती है तो वो उससे पहले वो हमको बहुत एडमायर करती थी, लेकिन नौकरी लगने के बाद एकदम से एकाएक उनका दिमाग चेंज हो गया। हम उनका बिहेव हमारे मेरी तरफ से बहुत ज्यादा रूड हो गया, उनको जो है मैं मोटा लगने लगा, मैं बेडोल लगने लगा, उनके लायक नहीं समझ में आता था, उनका स्टेटस सिंबल मैं मेंटेन नहीं कर पा रहा था। जब मैं कहता था मैं आपके ऑफिस में आऊंगा यानी कि कॉलेज आऊंगा, तो कहते थे कि आप बताइए कि मैं आपको मिलवा नहीं सकती हूँ। शिवांशु ने कहा कि जब उन्होंने अपनी पत्नी से इस मामले पर बात करने की कोशिश की तो उनके साथ बदसलूकी भी हुई। शादी से उनके दो बेटे हैं, नौकरी लगने के बाद वो छोटे बेटे को अपने साथ लेकर चली गई, बड़े बेटे को भी देने का दबाव बनाने लगी। जब वो इसमें नाकाम हो गई तो उसने केस भी दर्ज करा दिया। जबकि उस गार्जियन आर्टिकल में भी वो नहीं आती थी, वो जिसमें इनका जिसमें डिफॉल्ट हो गया, खारिज कर दिया न्यायालय, माननीय न्यायालय द्वारा। फिर उसके बाद जो है हस्बैंड ने जो है तलाक मुकदमा दाखिल किया, तलाक मुकदमा दाखिल किया, उसमें वो जानकारी भी उनको, उनके एडवोकेट आए उसमें, उन्होंने मतलब एक पार्टी आदेश हो रहा था उसको उन्होंने रिकॉल एप्लीकेशन में किया, वो रिकॉल एप्लीकेशन में भी उन्होंने कोई बल नहीं दिया और उसका अंततः न्यायालय ने खारिज कर दिया। डिवोर्स की मुख्य वजह, डिवोर्स का मेन वजह यही है कि चूंकि स्टेटस सिंबल वो एकदम चेंज हो जाना, उनकी जो जॉब लग गई महिला की उसके बाद उसका रुख एकदम से बदल गया। फिलहाल ये मामला सुर्खियों में बना हुआ है। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद कोर्ट ने दोनों का तलाक मंजूर कर लिया है। कानपुर से न्यूज 18 के लिए ओम बाबू मिश्रा की रिपोर्ट। कल से गणेशोत्सव शुरू होने वाला है, जिसकी देश भर में तैयारियां चल रही हैं। बापा के आने पर लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है। बाजार में गणपति की मूर्तियां सजी हैं। मुंबई में लालबाग के राजा का भी पंडाल सज चुका है, ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अगले
10 दिनों तक देश की अलग अलग जगहों पर गणपति उत्सव को धूमधाम से मनाया जाएगा। वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो यहां गणपति उत्सव का अलग ही आकर्षण दिखाई देता है। बप्पा के हर साल आने का उनके भक्त को इंतजार रहता है। जीवन में खुशहाली बनी रहे इसकी कामना के लिए लोग बप्पा का आशीर्वाद लेते हैं। मुंबई में विघ्नहर्ता के लिए बड़े बड़े पंडाल सज चुके हैं। मुंबई के लाल बाग के राजा की अलग ही महिमा है। उनकी पहली झलक भी दुनिया के सामने आ चुकी है। सिर पर स्वर्णिम मुकुट, लाल धोती, मूर्ति में गणपति का तेज देखते ही बनता है। बप्पा के पहले दर्शन के लिए बड़ी संख्या में उनके भक्त पहुँचे। उन्होंने दिल खोलकर अपने आराध्य का स्वागत किया। इस दौरान लोगों में गजब का उत्साह देखा गया। गणेश उत्सव में सबसे ज्यादा लाल बाग के राजा ही चर्चा में रहते हैं। यह दक्षिण मुंबई में सबसे प्रसिद्ध गणेश मंडल में से एक है। लाल बाग के राजा की ख्याति दूर दूर तक है। इनके दर्शन मात्र के लिए श्रद्धालु लालाहित रहते हैं। मान्यता है कि लाल बाग के राजा लोगों की मनोकामना को पूरा करते हैं। दूर दूर से इनके दर्शन के लिए लोग पहुंचते हैं, जिसमें जानी मानी हस्तियां भी शामिल होती है। इनके दर्शन करने के लिए कई किलोमीटर लंबी कतारें लग जाती हैं, जो लाल बाग के राजा के प्रति लोगों की आस्था को दर्शाता है। गणपति की मूर्ति का विसर्जन गिरगांव चौपाटी में 10वें दिन किया जाता है। लालबाग के राजा सभी गणेश भक्तों के आराध्य देवत बन चुके हैं और इस बार लालबाग का राजा का दरबार जो सजा हुआ है वो है मयूर महल में। और इस मयूर महल में हम देख सकते हैं कि किस तरह से मयूर आसन पे लालबाग का राजा जो है विराजमान हो चुके हैं। और इस बार की जो खास वैशिष्ट्य बताया जा रहा है वो है लालबाग के राजा के जो शिरों पर हम देख सकते हैं कि एक राज मुकुट सोने का वो यहाँ पर पहनाया गया है। और इस बार का जो खास जो वैशिष्ट है इसी बात को कहा जाता है, क्योंकि रिलायंस फाउंडेशन के तरफ से ये जो राज मुकुट है वो लालबाग का राजा के चरणों पर अर्पण किया गया है। इसी के साथ पूरे देश में गणपति उत्सव की धूमधाम से तैयारियां चल रही हैं। लोग विसर्जन के लिहाज से मिट्टी की मूर्तियां लेना पसंद करते हैं। गणेश जी के बाल रूप का भी काफी क्रेज देखा जा रहा है। बट इस साल स्पेशल बात यह है कि हम पर्यावरण का के लिए सोच रहे हैं, इसीलिए शाडू माटी का गणेश जी की मूर्ति लेने का हमने डिसाइड किया है, क्योंकि वो पर्यावरण के लिए भी सही है। और एक विसर्जन जो है वो हम नगर पालिका के इसमें जब जमा करते हैं मूर्ति, तो उनके हाल बाद में जो होते हैं वो देखा नहीं जाता है। तो इसीलिए ये साल से तो मतलब पहले भी शाडू माटी का लेते, लेकिन ये साल से तो डिसाइड कर ही चुके हैं कि हम शाडू माटी की मूर्ति लेंगे, इको फ्रेंडली। ऐसे मुंबई में गणेश उत्सव पर बप्पा के दर्शन के लिए जीएसबी सेवा मंडल की गणेश प्रतिमा भी सामने आ गई है, जो आकर्षण के केंद्र में रहने वाली है। एक 521 वाली मूर्ति खरीदी की है और मैं ये लेके जाने वाला हूँ मेरे घर पे गणपति का उत्सव मनाने वाला हूँ। मैं पिछले 20 साल से गणपति का उत्सव मेरे घर पे जोर शोर से मनाता हूँ और सब लोग गणपति के आरती के लिए दर्शन के लिए मेरे घर पे आते हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर में गणेश चतुर्थी की तैयारियां जोरों पर हैं। गजानन की आकर्षण मूर्तियां मन मोह रही हैं। हैदराबाद के बाजार भी गणपति की मूर्ति से सज चुके हैं। यहां इको फ्रेंडली गणपति बनाए गए हैं। गुजरात के अहमदाबाद में भी गणपति उत्सव की तैयारियां आखिरी चरण में हैं। कलाकारों ने अपना कला का प्रदर्शन करते हुए गणपति की मूर्ति बनाई है। इसी तरह देश के अलग अलग हिस्सों में गणपति उत्सव के रंग बिखरे हुए हैं। वहीं उत्तर भारत का प्रसिद्ध चंदौसी का गणेश चतुर्थी मेला शुरू हो गया है। गणेश मंदिर में गणपति की मूर्ति को स्थापित किया गया। 7 सितंबर को गणेश भगवान की भव्य शोभा यात्रा निकलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। लाल बाग के राजा भव्य पंडाल में विराज चुके हैं। उनके मस्तक पर सोने का आकर्षक मुकुट सजा है। रिलायंस फाउंडेशन की ओर से 20 किलो का सोने का मुकुट उनको अर्पित किया गया है, जिसकी कीमत 16 करोड़ रुपए बताई जा रही है। गणेश उत्सव के मौके पर मुंबई में लाल बाग के राजा का भव्य स्वागत हो गया है। अपने भक्तों पर कृपा बरसाने के लिए गणपति ने दर्शन दे दिए हैं। जयकारे के बीच गणपति बप्पा ने अपनी झलक दिखाई। 20 किलो का सोने का मुकुट उनके मस्तक की शोभा बढ़ा रहा है, जो आकर्षण का केंद्र बना हुआ है।
लाल बाग के राजा को रिलायंस फाउंडेशन की तरफ से 20 किलो का सोने का मुकुट चढ़ाया गया है, जिसकी कीमत 16 करोड़ रुपए बताई जा रही है। लाल बाग के राजा का स्वरूप देखते ही बन रहा है। इस बेहद खास मुकुट में हीरे और कीमती रत्न भी जड़े हुए हैं। एक बहुत ही आकर्षक और लुभावनी ऐसी मूर्ति जो इस बार दिखाई दे रही है, खास वैशिष्ट्य तो है राजमुकुट है, क्या राजमुकुट की बात है खास? लालबाग का राजा का ये 91वां साल है और अभी हर माध्यम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया के द्वारा मुंबई एवं महाराष्ट्र एवं देश भर हिंदुस्तान जगभर में लालबाग के राजा आज पहुंच चुके हैं। और जो आप मुकुट देख रहे हैं लालबाग का राजा का, वो 20 किलो सोने का मुकुट है और बहुत अच्छा बन गया है। आप बिलीव नहीं कर सकते, वो 6 फीट का घेर है खाली, तो वो बनाने को भी 4 कम से कम महीना कोशिश कर रहे थे सब लोग। और हमें कार्यकर्ता लोग को आनंद है कि वो अच्छी तरीके से वहाँ राजा के सुवर्ण अलंकार में बहुत बढ़िया हो चुका है और लालबाग के राजा का जो रूप था और भी लुभावना हो चुका है। आकर्षण है वो राजमुकुट है, तो राजमुकुट की और क्या खास बात बता पाएंगे? कितने करोड़ का है, कितना सोना इसमें लगा है और किसके यहाँ से अर्पण किया? ये रिलायंस फाउंडेशन की तरफ से यहाँ अर्पण किया गया है। इसमें 20 किलो सोना एवं मीना का पाचू यहाँ बिठाए गए हैं और 15 करोड़ कम से कम इसकी कीमत है। और लालबाग के राजा के सुवर्ण अलंकार में और भी खूबसूरत राजा आज जगभर में दिखाई दे रहे हैं, तो बहुत अच्छा ये सब लालबाग के राजा के इसमें आकर्षण है, तो हमें लगता है कि बहुत अच्छा हुआ है ये साल में। लालबाग के राजा का भव्य दरबार सजा है। हर साल गणेश जी की प्रतिमा का डिजाइन बदल जाता है। अगले 10 दिनों तक यहां भक्तों की भारी भीड़ जुटने वाली है। बप्पा के आने का उनके भक्त बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। शाहरुख खान भारत में सबसे ज्यादा टैक्स चुकाने वाले अभिनेता बन गए हैं। उन्होंने 92 करोड़ रुपए का टैक्स चुकाया है। दक्षिण भारत के सुपरस्टार थलापति विजय ने 80 करोड़ रुपए टैक्स दिया है, तो सलमान खान ने 75 करोड़ का टैक्स चुकाया। साथ ही अमिताभ बच्चन ने 71 करोड़ रुपए, अजय देवगन ने 42 करोड़ रुपए का टैक्स चुकाया, रणबीर कपूर ने 36 करोड़ का टैक्स पे किया है, ऋतिक रोशन ने 28 करोड़ रुपए का टैक्स चुकाया है। इसके अलावा कपिल शर्मा ने 26 करोड़ रुपए, करीना कपूर ने 20 करोड़, शाहिद कपूर ने 14 करोड़, तो कियारा आडवाणी ने 12 करोड़ रुपए और कटरीना कैफ ने 11 करोड़ रुपए का टैक्स भरा है। एल्विश यादव सिंगर फजल पुरिया पर शिकंजा कस सकता है, जल्द ही चार्जशीट दायर कर सकती है ईडी। सूत्रों के हवाले से यह खबर है। गाने से 50 लाख से ज्यादा की कमाई हुई, इस बात को आधार बनाया जा रहा है। फजल पुरिया के गाने में दरअसल सांप दिखाई दिए थे और वो उस गाने के लिए 50 लाख रुपए की कीमत ली गई थी। दोनों की संपत्ति जब्त भी कर सकती है ईडी, एल्विश की संपत्ति जब्त कर सकती है ईडी। ये इस वक्त की महत्वपूर्ण अपडेट है। यूट्यूबर एल्विश यादव और सिंगर फाजिल पुरिया की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। ईडी सूत्रों की माने तो एल्विश यादव और फाजिल पुरिया की संपत्तियों को अटैच करने की तैयारी चल रही है। एल्विश यादव से मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी 3 बार पूछताछ कर चुकी है। सिंगर फाजिल पुरिया से भी ईडी लखनऊ जोनल ऑफिस की टीम पूछताछ कर चुकी है। ये बात सामने आ गई है कि फाजिल पुरिया के एक मशहूर गाने में जिन सांपों का इस्तेमाल हुआ था, उसकी सप्लाई एल्विश यादव ने की थी। यही नहीं, यूट्यूब के जरिए एल्विश यादव की होने वाली कमाई की डिटेल भी ईडी ने जुटा ली है। लग्जरी गाड़ियों, विदेश यात्राओं, बैंक खातों की जानकारी के मुतल्लिक भी एल्विश यादव से कई दफ़ा पूछताछ हुई है। अब ईडी के सोर्सेस कंफर्म कर रहे हैं कि जल्द ही मनी लॉन्ड्रिंग के इस मामले में चार्जशीट दाखिल की जाएगी और फाजिल पुरिया एल्विश यादव की संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई भी हो सकती है। कैमरामैन मनोज शाही के साथ ऋषमणि त्रिपाठी, न्यूज 18 लखनऊ। और खबर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से है, जहां एक टीचर का बच्चों से पैर दबवाते हुए वीडियो वायरल हो गया। बताया गया है कि ये वीडियो सरकारी विद्याराम इंटर कॉलेज का है, जहां पर एक टीचर बच्चों को पढ़ाने की जगह बच्चों से पैर दबवाते नजर आए। तो ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि ये कितना पुराना है इस पर जानकारी नहीं आई है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि कुर्सी पर बैठा शख्स टीचर है और आसपास स्टूडेंट्स हैं जो मास्टर साहब के पैर दबा रहे हैं। गाजियाबाद के लोनी थाना क्षेत्र में चोरों ने बाइक गायब कर दी।
लोनी थाना क्षेत्र के बंथला गांव की घटना है, जहां चोर घर के बाहर खड़ी बाइक को दिन दहाड़े लूट कर ले गए। सीसीटीवी में एक शख्स चोरी छिपे बाइक ले जाता हुआ नजर भी आ रहा है। पीड़ित की शिकायत के बाद अब पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पीलीभीत में चेन स्नैचर्स ई रिक्शा पर जा रही महिला के सोने के कुंडल खींचकर भाग गए। सूचना मिलने पर बरखेड़ा थाना पुलिस की एसओजी टीम के साथ मौके का मुआयना करने पहुंची और उसने वहां जानकारी हासिल की। हालांकि अभी तक चेन लुटेरों को गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता नहीं मिली है।